हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं हाइब्रिड वैरायटी के जितने भी क्रिसेंथेमम्स होते हैं उनकी किस तरीके से आप देखभाल करें और साथ में इनसे कैसे हम ज़्यादा फूल ले सकते हैं और इन्हें संभाल कर साल भर रख सकते हैं, ये मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास 4 से 5 प्लांट्स हैं जो अभी खिल चुके हैं प्लांट्स, तो उनके मैं वीडियो बना रही हूँ, और जो अभी नहीं खिले हैं उनके मैं सेपरेट बनाने वाली हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे जितने भी हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं, मैं एक को छोड़कर, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये वाली पॉम्पम वेराइटी है और इसमें भी काफ़ी सारी फ्लावरिंग होती है, और मैं बता दूँ कि ये मेरी लास्ट ईयर की प्लांट है और इसमें जिस तरीके से मैंने शेप देना चाहा था वैसे ही इसमें फ्लावरिंग हुई है, काफ़ी सारी फ्लावरिंग हुई है, और एक ट्री जैसा मैंने शेप देने की इसमें कोशिश की थी और वैसे ही ये निकला, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये प्लांट्स। मींस मैं चाहती थी कि जो भी इसमें फ्लावर्स आए बिल्कुल ऊपर में पौधों और पेड़ों की तरह आए, तो वैसे ही निकल कर आए हैं। और ये जो वेराइटीज़ हैं ये भी मैंने इसी साल अपने गार्डन में ऐड किया है, मुझे काफ़ी पसंद आए थे ये वाले वेराइटीज़, और कुछ दिन से मैंने इसे एक प्लास्टिक के पॉट में लगा कर रखा है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं इसमें भी, क्योंकि हमारे जो क्रिसेंथेमम के प्लांट्स होते हैं उसमें बिल्कुल ज़्यादा रूट्स नहीं होते हैं, मैसिव रूट्स नहीं होते हैं, आप जिसमें भी लगाएंगे काफ़ी अच्छे से ये चलेंगे। और डिपेंड ये करता है कि आप केयर कैसे करते हैं, जैसे जैसे आप केयर करेंगे वैसे ये ग्रो करेंगे हमारे प्लांट्स। और ये भी एक वेराइटी है काफ़ी ब्यूटिफुल सी, और इसमें भी ढेरों क्वांटिटी में फूल आते हैं, आप किसी में भी लगा सकते हैं। ये मैरून कलर के क्रिसेंथेमम के प्लांट्स हैं, काफ़ी बड़े साइज़ में खिलते हैं और अभी जस्ट इन्होंने खिलना स्टार्ट किया है। और इधर में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी एक न्यू वैरायटी का चाइनीज़ क्रिसेंथेमम प्लांट है, इसमें भी काफ़ी अच्छे फ्लावर्स खिलते हैं, पॉम्पम वैरायटी जैसा ही है, छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं लेकिन काफ़ी सारे बंच में आते हैं, बहुत सारे खिलते हैं, और मैंने इसके एक ही प्लांट्स लगा के रखे थे, उससे काफ़ी सारे ये अपने आप प्लांट्स बन गए और फ्लावरिंग कर रहे हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं जाइंट क्रिसेंथेमम प्लांट है, और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर्स खिले हुए हैं और इनके फ्लावर्स के साइज़ काफ़ी बड़े हैं और देखने में भी मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और जिस तरीके से इसे सुबह सुबह देखने से और अच्छे लगते हैं जब सनलाइट इन पर पड़ते हैं तो, और यहाँ पर एक जो इसका स्टेम था वो मुझसे अभी टूट गया था, तो इसे भी मैंने यहीं पर अभी ग्रो कर दिया है क्योंकि ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इसे आप साल भर आराम से लगा कर रख सकते हैं अपने गार्डन में। बस थोड़ी सी आपको केयर करनी है, ये जो हार्श सनलाइट होती है गर्मियों के समय की, उस टाइम पर आपको इन्हें बचा कर रखना है और सेमी शेडेड प्रोवाइड करनी है, तो ये साल भर चल जाते हैं, और बिल्कुल ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और अगर आप इस ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए जब ये मम्स खिलकर ख़त्म हो जाएंगे तब आपको इसे कट करके हटा देना है, फिर इसमें नए और बहुत सारे ब्रांचेस निकल कर आएंगे और 1 से 1.5 महीने के अंदर फिर से दोबारा फ्लावरिंग हो सकती है। और थोड़ा सा आपको फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करते रहना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो ये सब छोटे छोटे केयर्स का आपको खास ध्यान रखना है जिससे आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हो और साथ में हमारी प्लांट्स भी हेल्दी ग्रो करते रहें और उन्हें हम साल भर बचा कर भी रखें ताकि नेक्स्ट ईयर में और ज़्यादा ये फ्लावरिंग करें। तो इन सब बातों से फ्रेंड्स हम अपने क्रिसेंथेमम प्लांट्स को बचा सकते हैं, उससे ज़्यादा फ्लावर्स ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।